नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सियासी घमासान है, धार्मिक बयानबाजी है, चर्चा में समय भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, तैयारी का दौर जारी है, और अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी लगातार जिस तरह से ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है, वो भी यहाँ पर चर्चा में आ चुका है कि भगवान श्री राम का नहीं, वो कृष्ण का क्या होगा, कैसे रघुवंशी हैं जो अब तक उस पर कुछ नहीं बोले हैं, जबकि मामला अदालत में चल रहा है। खैर, कटाक्ष चलते रहेंगे, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, बस व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पर आयोजन बड़ा होने जा रहा है। वो आयोजन जो लगभग लगभग 500 साल की प्रतीक्षा के बाद होने वाला है, वो आयोजन जिसमें बड़े संग्राम हुए हैं, वो आयोजन जिसमें तमाम शहीद हुए हैं, वो आयोजन जिसमें यहाँ पर एक ऐतिहासिक व्यवस्था रची जा रही है, वो आयोजन जिसका पूरे देश को इंतजार है। जब देश को इंतजार है तो इस आयोजन से दूरी क्यों? यहाँ दूरी की बात इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पर तमाम पार्टियों ने निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है और तमाम लोगों ने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है। कोई पहले जाकर अपने शीर्ष नेतृत्व की गलतियों का डैमेज कंट्रोल करने में लगा है, तो कोई बोल रहा है कि निमंत्रण पत्र मिला है, पासा धन्यवाद, हम यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद वहाँ पर दर्शन करने जाएंगे क्योंकि राम सबके हैं, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आदर करना ही चाहिए क्योंकि हमारा देश का लोकतंत्र हमको ये इजाजत देता है कि सभी धर्मों का हम आदर करें, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। पर साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा ये भी है कि यहाँ पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इवेंट है बीजेपी का, अगर इवेंट है तो लोगों ने निमंत्रण स्वीकार क्यों किए हैं, और अगर आपको लगता है कि ये जो इवेंट है तो फिर आप बाद में क्यों जा रहे हैं, तो कहा जा रहा बाद में हम रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, पर जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है वो बीजेपी का इवेंट है। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो कार्यक्रम रामलला का है, वहां पर आप दर्शन करने बाद में जाएंगे या पहले जा रहे हैं वो भी रामलला के करने ही जा रहे हैं, और 22 जनवरी को बीजेपी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होने जा रही है बल्कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश राममय है और लगातार इसको लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं, और धार्मिक बयानबाजी का हम क्या कहें क्योंकि यहाँ पर देश में रोटी कपड़ा और मकान भूल कर फिलहाल हमारे नेता धार्मिक बयानबाजी में ज़्यादा मशगूल है, और इसके साथ साथ तमाम पार्टियाँ ऐसी भी हैं जिनको भी अब भगवान राम और हनुमान जी और सुंदरकांड याद आने लगे हैं। मैं बात यहाँ आम आदमी पार्टी कर रहा हूँ क्योंकि कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर अगले माह से मंगलवार को सुंदरकांड कराने जा रही है। 70 विधानसभा के 2600 जगहों पर सुंदरकांड का आयोजन होगा। आम आदमी पार्टी का बड़ा यहाँ पर फैसला सामने आया है, बड़ा ऐलान सामने आया है। इससे पहले हमें देखिए लगातार आम आदमी पार्टी धार्मिक बयानबाजी से पीछे रहती है। केवल अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें जिन्होंने कहा था कि करेंसी पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की अगर मूर्ति रहेगी, उनकी फोटो रहेगी तो आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी, उसके बाद इस तरह के बयान नहीं आते, पर यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन करके एक नई तरह की हवा दी है। रणनीति है, राजनीति है, या वास्तव में समय की मांग है? फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा विषय पर कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और इस बात को मैं कहकर के जा रहा हूं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और आप विजय से उत्तर प्रदेश का इतिहास अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के इतिहास के साथ भगवान श्री कृष्ण हमेशा जैसे कहते थे रोम रोम में और हर जगह आपको उनको महसूस करेंगे। एक इतिहास उत्तर प्रदेश का और भी है, हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन सच्चाई है तो उसको प्रकट करना भी आवश्यकता है। जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है? आप मेरी बात को समझ रहे हो? जो प्रभु राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है, और जो कृष्ण का नहीं हुआ वो यदुवंशी कैसे हो सकता है? कल यानी कि 16 जनवरी को मंगलवार है, दिल्ली की सभी विधानसभाओं के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन, वहां के विधायक पार्षद साथी और संगठन के पदाधिकारियों के साथ भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से दिल्ली के लोगों को, उनके परिवार वालों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे भी
रणनीति है, राजनीति है, समय की मांग है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए हैं। कोई नेतृत्व की गलती को यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने में लगा है, तो कोई यहाँ पर सुंदरकांड कराकर अपनी नई रणनीति को सामने ला रहा है। फिलहाल जनता फैसला करती है, कि जनता जानती है कि यहाँ पर कौन किसका है और किसके मन में भगवान राम है और कौन यहाँ किस रूप में किन चीज़ों को कहता चला आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से चर्चा चल रही है वो एक अहम बात भी है। बात यहाँ पर यह भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भगवान श्री राम को लेकर राजनीति चरम पर रही है, लोग लगातार इस विषय को लेकर बीजेपी पर आरोपित करते रहे हैं, बीजेपी पर कटाक्ष करते रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। पर अगर बीजेपी धर्म की राजनीति करती है तो जो अन्य विपक्षी दल है वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर निमंत्रण स्वीकार कर देना, बाद में जाना, ये किस तरह की राजनीति है? अगर भगवान सबके हैं, भगवान पर अगर सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, तो भगवान के निमंत्रण को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि निमंत्रण बीजेपी का नहीं, मैंने फिर कहा, ये प्रतिष्ठा बीजेपी की नहीं बल्कि भगवान श्री राम की होने जा रही है, रामलला की होने जा रही है। शताब्दियों से इंतजार था, तो वहाँ पर निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। और यही महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू करा दूं, भारतीय जनता पार्टी से मनोज उपाध्याय अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से यहाँ पर अनिल शर्मा अपनी बात रखेंगे, आम आदमी पार्टी जनक प्रसाद अपनी बात रखेंगे, विकास मिश्रा सनातन महासभा से अपनी बात रखेंगे, बृहस्पति के रूप में जनाब आमिर साबरी अपनी राय देंगे और समाजवादी पार्टी से उनके फॉरवर्ड प्रवक्ता चंचल यादव अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा कांग्रेस से। अनिल भाई, भाई पहले चले गए दर्शन करने जाने तो पार में चले जाते, भगवान राम का बुलावा आया था, बीजेपी का बुलावा थोड़ा था भाई, चले जाना चाहिए था। ये कैसी राजनीति है? और ऐसी राजनीति कि आपके खुद के नेता कई लोग नाराज होकर उन्होंने खुलेआम बयान दे दिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कई प्रवक्ता पार्टी छोड़ दिए कि निमंत्रण नहीं ठुकराना चाहिए। ये किस तरह की राजनीति है? और यहाँ पर आप लोग धार्मिक राजनीति पर बीजेपी आरोप लगाते हैं और स्वयं उसी राजनीति की पटकथा पर चल दिए हैं। अनिल शर्मा जवाब दे दीजिए। निमंत्रण कांग्रेस बीजेपी बीजेपी का नहीं, अच्छा राम जी का निमंत्रण है। बिल्कुल भाई, मैंने भी कहा जी, ठीक है जी। लेकिन भाई प्रश्न हमारा भी है जी, ये राम जी के कौन से दूत हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चोला पहनकर चलने वाले हैं? अच्छा, ये कौन से निमंत्रण देने वाले लोग हैं जिसका संचालन केवल आरएसएस के कार्यालय से और बीजेपी कार्यालय से हो रहा है? अच्छा, वो अच्छत कलश सारे बीजेपी और आरएसएस के कार्यालय से संचालित हो रहे हैं, ये कौन सा राम जी का दूत है? अच्छा, प्रश्न है जी। अगर आप प्रश्न की बात कही तो प्रश्न मेरे भी ले लीजिए। चलिए, मैं खबर नबी हूँ, मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है, जिस तरह से आपने आरोप, हालांकि यहाँ पर भाजपा में जवाब भाजपा प्रवक्ता देंगे, पर अनिल शर्मा जी जिस तरह से आपने यहाँ बात कही, अच्छा चलट की बात कही, आपने आरएसएस की बात कही, तो यहाँ पर अगर निमंत्रण रामलला की तरफ से है तो आपने अस्वीकार क्यों कर दिया? अब कोई ना कोई माध्यम तो होगा निमंत्रण का भाई, अगर कोई शादी होती, कोई निमंत्रण होता है तो कोई ना कोई निमंत्रण का माध्यम होता है। यहाँ पर अगर निमंत्रण का माध्यम बीजेपी बनने जा रही है तो तकलीफ क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने कहा कि यहाँ पर अच्छे कलश है, तो आप लोग भी यहाँ पर उनसे बोल सकते थे कि भैया अक्षत कलश में हमको भी यहाँ जाना है, हम भी बांटना चाहते हैं, भाई राम तो सबके हैं, आपको जाने में क्या गुरेज रहा है? और उपहार की बात हो तो आप भी उपहार पहुँचा सकते थे। और यहाँ पर कुछ समय बाद वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके पहले आपके यूपी कांग्रेस के नेता पहुँच जाते हैं, प्रभारी पहुँच जाते हैं, उसी दिन पहुँच जाते, कौन सी बुराई थी? जवाब दीजिए, फिर मैं प्रवक्ता भाजपा को लेता हूँ जी। अनिल शर्मा जी, डिबेट में देखिए बहुत सारे प्रश्न आपने एक साथ कर डाले, हाँ जवाब एक ही होगा आपके पास, ठीक है। सारे कार्यक्रम हम वहां मांगने जाए कि हमें अक्षत कलश दीजिए, हम देकर चलेंगे। अच्छा, इस कार्यक्रम को करने वाला व्यक्ति कौन है? अच्छा, ठीक है, आवाज डबल डबल आ रही है आवाज, जी जी मैं सही करा लेता हूँ, आवाज सही कराई जाए। चारों धर्माचार्य जी, आदि शंकराचार्य, जिनके पास निमंत्रण पहुंचा उन्होंने स्वीकार किया, क्यों किया? उनके साथ जिस प्रकार की टीका टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी और संघ के सहयोगी दलों के लोग, जो बीजेपी सोशल मीडिया पर जिस तरह से अनर्गल अनर्गल बातें कर रहे हैं धर्म गुरुओं के प्रति, ये क्या उचित है? रही बात निमंत्रण ठुकराने के, निमंत्रण आने के, निमंत्रण देने कौन आया, यह भी एक अहम प्रश्न है कि निमंत्रण देने वाला कौन? अच्छा, क्या वो ट्रस्ट थी या भाजपा के नेता लोग, आरएसएस के लोग चल रहे हैं?
तो दर्द यहाँ पर निमंत्रण देने पर है कि निमंत्रण देने कौन आया? बीजेपी कर रही है, आरएसएस के लोग भेज रहे हैं, तो तकलीफ है। सुन लीजिए एक मिनट, मेरी भी सुन लीजिए, सुना लीजिए। आप एकदम से सारे प्रश्न पर प्रश्न लगाते चले, आप यहाँ पर आप सीधा जवाब दे दीजिए, मैं सीधा जवाब ले लेता हूँ आपका जी। नहीं तो क्लियर जवाब दे रहा हूँ ना मैं, आप मेरी बात सुनना कब चाहती है? बोले, आप बोले। तो आप तो जितने भी प्रश्न है भाजपा ही प्रश्न के रूप में कर रहे हैं। इस मामले का राजनीतिकरण क्यों सबसे पहली बार? अच्छा, निमंत्रण स्वीकार करना अस्वीकार करना अलग मैटर है, लेकिन इसका राजनीतिकरण क्यों? बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है कि हमने राम जी का निमंत्रण ठुकरा दिया, हमने राम जी का निमंत्रण? आपके ही नेता अंदर घमासान मचा हुआ है, आपके ही बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं, मैं थोड़े बयान दे रहा हूँ। किस नेता ने नेताओं को रोकी वहाँ पर, बयान क्यों दे रहे भाई? आपके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, आप अपने वहां पर जो है बोलिए। देखिए जो 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 पार्टी का होगा वो पार्टी नहीं छोड़ेगा पहली बात। चलिए, अगर अनिल शर्मा की कांग्रेस में आस्था है तो अनिल शर्मा को कांग्रेस नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना, और जिसको दलबदल करना है वो दलबदल करेगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अनिल जी आपका बयान आ गया, मैं यहाँ पर प्रवक्ता भाजपा की बात लेता हूँ। मनोज भाई, यहाँ पर तमाम तरह की बातें यहाँ पर अनिल शर्मा ने की, बोलते हैं कि निमंत्रण बीजेपी और आरएसएस वाले क्यों दे रहे भाई, जबकि यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के जो लोग हैं वो यहाँ पर निमंत्रण पहुँचा रहे हैं। खैर, यहाँ पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, पहले ठुकराया, अब यहाँ पर उनके जो यूपी प्रमुख के लोग हैं, जो यूपी कांग्रेस के लोग हैं, वहाँ पर आज गए, सरयू में स्नान भी किया, फोटो भी वहाँ पर वायरल की गई, इसके साथ साथ वहाँ पर जिस तरह से हमने देखा दर्शन भी किए, हालांकि वहाँ पर झड़प भी हुई है, जानकारी बता रूँ, झड़प भी वहाँ पर हुई है और उनके साथ छिनझपटी भी हुई है, विरोध भी किया गया। मनोज उपाध्याय कैसे देखते हैं जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि सियासत बीजेपी कर रही है, ना कि हम? देखिए, पहली बात तो हम अपने कांग्रेस के मित्र को बताएंगे जी, कि अगर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी जैसे दो व्यक्तियों को जी अगर हम निमंत्रण देने गए हों, तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या था या आरएसएस के कार्यकर्ता गया, पहली चीज जी। उनके पास प्रूफ होगा, उसको ही दिखा सकते हैं जी, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का आज भी हम कह रहे हैं, तब भी हम कहते हैं कि राम मंदिर बन रहा, प्रभु राम के भक्तों द्वारा बन रहा है, न्यायालय द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी इसका संचालन कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। दूसरी चीज में बता दूं, रह गई अभी हमारे मित्र ने कहा अच्छे कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब कार्यसेवकों के गोलियां से लेकर जब राम मंदिर के लिए अपने अपने नेताओं को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके राम मंदिर बाबरी मस्जिद की तरफ से वो थे, और तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद, रविशंकर जी आप देखिए राम मंदिर का जो है पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने एक एक दर्जन वकीलों को खड़ा करके रोका था कि राम, भगवान राम का अस्तित्व को नकारने वाली जो पार्टी है, जिनके नेता नकारते आए हैं और जिनके इंडी गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता उनके पवित्र ग्रंथ के पन्ने को जलाते आए हैं, और अभी जल्दी का बयान है कि जिस पे पहली गलती तो मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलवा के कर दी, दूसरी गलती आज देखिए समाजवादी पार्टी के नेता जो है उसको क्लियर दे रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छा काम था, तो ये एक दोहरा चरित्र है इनका, तो ये हम नहीं कहेंगे। अच्छा, राम, भगवान राम के जो लोगों को हम लोगों ने आज नहीं, जो हमारी सरकार नहीं थी, हमने 1990 से लेकर उसके पहले से हम लोग चलते आए हैं, तब हमारी रथ यात्रा को बिहार में इन्हीं के साथियों ने रोकने का काम किया था, हमारे जो है उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करने का काम किया गया था, हमने तब भी देखा है, तो हमको ये ना बताएं, क्योंकि अब इनकी इच्छा हो, मैं अपने मित्र को चैलेंज देता हूँ कि फिर से जाए, अभी एक हफ्ते का टाइम बचा हुआ है, अच्छा कार्यक्रम में एक गांव को ले ले, एक गांव के घर घर इनके ये चले जाए, इनके कार्यकर्ता चले जाए, अगर हिम्मत हो तो चले जाए, क्योंकि इनके तुष्टीकरण की जो नीति है, तुष्टीकरण की जो राजनीति है, तुष्टीकरण जो बोल दिया, चुनौती दे रही है भाई, चले जाए एक गांव में, चले जाए चुनौती दे रही है, पूरा बता रहा हूँ, अनिल जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर आप बाद में देंगे, बोलिए बोलिए मनोज जी अपनी बात पूरी करिए, आप ही के सोपे आज ये कह दें पश्चिमी बंगाल में तीन साधुओं के, राम के भक्त के जो साधु थे उनके ऊपर जिस प्रकार से अराजक तत्वों द्वारा हमला किया गया, बता दें कि ये सही है या गलत है, आप जवाब दे लीजिएगा, ये इनके अभी तुरंत के बयान है, इनको पता चल जाएगा इनका दोहरा चरित्र, एक तरफ निमंत्रण ना मिलता नहीं मिलता था,
तब ये रोते थे राजनीत करने के लिए, इनके पास जनता ने मुद्दे नहीं दिए हैं, आते पहले निमंत्रण नहीं मिलता था तब रोते आए हैं, निमंत्रण चला गया अब रो रहे हैं। ये भाजपा का एजेंडा है, भाजपा का एजेंडा आज से नहीं है, शुरू से छीना छीना लीजिए, शुरू से एजेंडा भाजपा का हमारा है। लेकिन कई बात क्या केवल चले हो गया सप्ताह मर्यादा रखिए, सप्ताह मर्यादा रखिए, क्षेत्र नहीं चलेगा। चल ठीक है, हो गया, चलिए ठीक। मैं चंचल यादव के पास जाऊंगा। चंचल यादव, अखिलेश जी का बयान, निमंत्रण आ चुका है, पहले बोले निमंत्रण नहीं आया है, कुरियर की रसीद दिखा दीजिए। हालांकि निमंत्रण बाद में मिल गया है, और निमंत्रण के बाद यहां पर यह भी कहा गया है कि अब यहां पर प्राण प्रतिष्ठा के पास जाएंगे। ठीक है, जाना भी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा में जाने में क्या बुराई है, कोई समस्या है, या वास्तव में आप लोग यहाँ पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को केवल केवल बीजेपी के कार्यक्रम के रूप में देखना शुरू कर दिए हैं? भगवान राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है, पर यहाँ पर जिस तरह से डिप्टी सीएम ने आरोप भी लगा दिए हैं कि भैया भगवान श्री राम के नहीं हुए तो भगवान श्री कृष्ण के क्या होंगे, और अब तक कोई बयान भी वहाँ की तरफ से नहीं आया है, हालांकि तुरंत बयान यहाँ पर आता है, तो क्या मान के चले कि वास्तव में जिस तरह के आरोप बीजेपी समाजवादी पार्टी पर तुष्टिकरण का लगाती है कि एक बार को नाराज ना करने को लेकर इस तरह की गतिविधियां होती हैं, जवाब नहीं आते हैं और यहां पर बाद में निमंत्रण पे जाएंगे। देखिए गौरव जी, जी आप, आपके सभी हमारे दर्शकों को मैं नमस्कार जी, पहले साथियों को प्रणाम जी। देखिए धर्म जो है धारण करने का विषय है, धर्म धारण करने का विषय है जी। हाँ। धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी धर्म के ऊपर राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, और उनको ये लगता है, आप सोचिए, अभी आपने एक बात कही कि पूरा देश आज राममय है, नहीं पहले नहीं था क्या? हाँ। पहले नहीं रहा है क्या? प्रभु श्री रामचंद्र भी ऐसा कौन अलग है, आप मुझे बताओ ना। अरे कार्यक्रम के माध्यम से राममय है, बात सुन लीजिए ना। चंचल यादव जी, अभी अभी मुझे बताइए कौन राममय नहीं है। मैं बताऊं, मैं गीता की चंद पंक्तियां पढ़ देता हूं, आत्मा जिसकी मुट्ठी में वही सच्ची परमात्मा है। अच्छा, और कहने को जीवात्मा लेकिन वास्तव में परमात्मा है। अच्छा, इस बात को साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो केवल, मैं बताऊं, बीजेपी का आज के समय में न तो धर्म से कोई लेना देना है, न तो आस्था में इनका कोई विश्वास है। अच्छा। न तो प्रभु श्री रामचंद्र को, बस केवल इनको राजनीति करनी है। अच्छा। आप सोचिए, अभी आज मैं, आपने जिक्र किया कि कुछ साथी जो वहां पे गंगा वहां पे स्नान सरजू में स्नान करने गए थे, उनके साथ झड़प हुई। आप खुद सोचिए कि कैसा देश बना रहे हो, आप दर्शन करने गए थे, आप दर्शन करने गए थे, कैसा आप कैसा माहौल बनाना चाहते हो, तो बीजेपी झड़प कराएगी? आप मेरी बात, और कौन कराएगा? अच्छा, आप बताओ और कौन कराएगा? अच्छा, सिंपल सी बात है, समझिएगा। पश्चिम बंगाल है, वही बीजेपी कराई थी, साधु को मारा गया, पीटा गया। नहीं, मैं वही बात कहना चाहता हूँ, सुनिए। मैं बता दूं, आज के समय में हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रमुख मुद्दे हैं उस मुद्दों से बचें और धर्म को आगे लाके खड़ा कर देते हैं। अच्छा। मैं कहना चाहता हूं, हमारी पूरी आस्था है प्रभु श्री रामचंद्र जी में। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण में, हनुमान जी में, पूरे सारे के सारे के धर्म में हमारी पूरी आस्था है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी समाजवाद का जो समता मूलक समाज की बात करती है, हम सरकार का काम है, सरकार का काम है गौरव जी, जो है जो सरकार का जो काम है वो सरकार अपने काम नहीं कर रही है। अच्छा। सरकार इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की आड़ में, अच्छा, जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, अब सोचिए खुद देखिए आप कि जो चारों हमारे धर्माचार्य शंकराचार्य आदि आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर दिया। अभी हमारे कांग्रेस की बात करते हैं, जो शंकराचार्य पर कार्रवाई भी आपने की थी, लाठियां मारी थी, आपको याद है? सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उन लोगों ने मना कर दिया। अच्छा, क्यों मना कर दिया? हम कह रहे हैं आपको जल्दी क्या है, अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी को लोग सारे के सारे लोग, सारे शंकराचार्य लोग कह रहे हैं कि भाई आप जल्दबाजी में अशुभ काम करने, मतलब अशुभ समय में कुछ ऐसा बोल रहे हो। अच्छा। मेरी बात सुन लीजिए, तो मैं कह रहा हूं कि आपको जल्दी क्या, केवल आप वोट के चक्कर में, वोट के चक्कर में आधे अधूरे काम में आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को गृह प्रवेश करा रहे हो। अच्छा। और वो सोचिए, ये खुद मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज के समय में शंकराचार्य लोगों से बड़ा तो मान ही लिया मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी से भी बड़ा मान लिया है। आपको याद होगा पोस्टर जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो उंगली पकड़ करके मोदी जी चल रहे, अच्छा, पकड़ के ले जा रहे हैं, सोचिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की फोटो और मोदी जी की फोटो। अच्छा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आ चुका है। मैं आपको बता दूं, जो आप बोल रहे हैं आज के समय में हर आदमी जान रहा है, जिस तरीके से, सुन लीजिए, जो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट, मैं बता दूं, ये सबको जग जाहिर हो चुका है। और हमारे नेता
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि हम जो है क्या नाम जैसे ही क्या नाम प्रोग्राम में हम इन फ्यूचर जाएंगे, चलिए ठीक है मेरी बात सुन लीजिए जाएंगे। हाँ, हाँ। लेकिन आप मुझे बताइए, मेरा सवाल कुछ है बीजेपी के साथियों से, आप बताओ अभी हमारे जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का आपने वीडियो देखा, बेचारे कैसे गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे बुला लेते कम से कम। अच्छा। आप सोचा, आपने कहा बेचारे कैसे बेचारे कोस रहे थे। आप बताओ पिछड़े जाति के नेताओं को जो बीजेपी में हैं, विनय कटियार जी ने कितनी लड़ाई लड़ी, आपने देखा होगा वहां पे तोगड़िया साहब ने कितनी लड़ाई लड़ी, क्या उनको बुलाया गया है? अच्छा। आप सोचिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल चरित्र चेहरा पूरे देश की जनता जान चुकी है, इनसे पूछ रही है कि आप बताओ जो वादे जो गारंटी शब्द का प्रयोग करते थे ना प्रधानमंत्री जी, वो गारंटी गारंटी चिल्ला रहा समय लोग, गारंटी मुझे बताओ ना, जो आपने जो भी वादे किए थे, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात हो, चाहे किसानों का दुगुनी करने की बात हो, आदर्श गांव हो, चाहे स्मार्ट शहर हो, ये गारंटी कहां चली गई आपकी? और सुनिए एक शब्द और, 30 सेकंड लूंगा, लगे हाथ मनोज उपाध्याय जी बताएंगे मुझे कि आप मुझे बताओ कि अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया, मेरा झूठ सबसे मजबूत, कंपटीशन चला दोनों इंजन में, बड़ा इंजन छोटा इंजन, तो उधर प्रधानमंत्री जी जो है कहते हैं मेरा झूठ सबसे मजबूत, इधर मुख्यमंत्री जी कहते हैं यूपी का नंबर वन के बात करते हैं, आज यूपी नंबर वन किन किन क्षेत्रों में, महिला अपराध में नंबर वन है, टोटल डेथ में नंबर वन है, आप मुझे पिछड़े दलित अत्याचार करने में नंबर वन है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने में नंबर वन है, आज ये हालत हो गया। मेरा सवाल ले लीजिए, आपने एक तरफ बोले कि पूरा देश राममय है, मेरी बात स्वीकार भी ली और राममय हमेशा रहता रहता है। हाँ। फिर इस कार्यक्रम को आप इवेंट क्यों बोल रहे भाई, ये तरफ तारीफ कर रहा है, ये तरफ आस्था दिखा रहा है, भक्ति दिखा रहा है, उसी कार्यक्रम को आप इवेंट बोल रहा है, ये तो खुलेआम अपमान है भाई। नहीं नहीं, ओहो मेरी बात, यहाँ प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की हो रही है, बीजेपी की थोड़ी ना हो रही है। समाजवादियों से ज्यादा हाँ। धार्मिक बीजेपी के लोग नहीं है। अच्छा, ये बात बता दो आपको, इनका दिखावापन सबको जग जाए, जानते हैं। अच्छा। मैं बता दो, हम यदुवंशी लोग हैं, गाय पालते हैं, अब किसी भी बीजेपी के नेताओं घर में गाय नहीं होगी, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। गौ माता चिल्लाते रहते हैं, झांसेबाज जुमलेबाज लोग हैं। मैं बताऊं, जो आपने सवाल पूछा सवाल जवाब सुन लीजिए, मैंने ये बोला, आपने कहा आज राममय है, मैंने कहा कब राममय नहीं रहा है, मैंने आपको बताया अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी से हर एक इंसान जुड़ा हुआ है। इवेंट क्यों बोल रहा है मैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इवेंट मैनेजमेंट इवेंट द्वारा कराया जा रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ क्या कराया जा रहा है, आप बताओ, अगर आप आधा अधूरे पे आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को पाठ प्रतिष्ठा की, आप जल्दी क्या है, ठीक है मेरा सवाल ये है, और ये बताया अगर इवेंट मैनेजमेंट ना होता तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मेरे आराध्य हैं, उनको छोटा पोस्टर बना करके आपके नेता यहाँ पर भगवान श्री राम को लेके और रामचरितमानस को टिप्पणी कर चुके हैं, उनको रोक लीजिए फिलहाल, तभी आपकी आस्था सामने आ जाएगी। चलिए ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का प्रवक्ता मेरी बात बात सुनिए, और उन्होंने, अरे आपकी पार्टी नेता समझ करिए भाई, अभी पार्टी में कैबिनेट मंत्री है, क्या बोलते हैं वो, तो आप क्या बोलते हैं प्रभु रामचंद्र जी के अस्पताल उठाते हैं, कुछ रोका बताए ना, अब जवाब दे पाएंगे आप, प्रभु रामचंद्र जी के अस्पताल उठाते हैं, ऐसे आदमी को मंत्री बना रखे हैं, सबका सद्य भक्ति पता, ठीक हो गया, ये बताइए ना कि आप मंत्री बना रखे हैं, हो गया चलिए हो गया ठीक है, मैं नेता आपको लेऊंगा। जनक भाई क्या बोलूं, देरा दुरुस्ता है, आप वास्तव में सोची समझी राजनीति है, रणनीति है या प्रेम है? अनिल जी मैं आपको मौका दूंगा, जी बोलिए जनक भाई, सुन्नकांड कराने जा रहे दिल्ली में भाई, दर्शन करने कब जाएंगे? मुझसे प्रश्न है, देखिए जनक भाई अपनी बात पूरी करिए, हेलो जनक जी की आवाज नहीं आ रही, आवाज स्पष्ट कीजिए, हम लोग देखिए मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही, बोलिए जोर से बोलिए जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी पार्टी सुंदर कांड कराने जा रही है हनुमान जी के दिन से मंगलवार को, तो किसी को आपत्ति होनी चाहिए? अरे मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति समय को लेकर है भाई, समय चुनाव को आगे, इसलिए आपत्ति हो, कोई बात नहीं, आपको अचानक से आपका सुनने कान को लेकर प्रेम देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए पूछ लिया। हमारे अरविंद जी हाँ। अगर हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं तो ये भाजपा वालों को पेट में दर्द हो जाते हैं। अच्छा, क्यों भाई, क्या इसका पेटेंट है क्या धर्म? नहीं, कोई पेटेंट नहीं भाई, हमारा हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अपने हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से जी, आप किसी भी अजान पढ़ सकते, अजान बोल सकते हैं, मस्जिद में जाके सजदा कर सकते हैं, मंदिर में जाके अपनी दुआएं मांग सकते हैं, राम की पूजा कर सकते हैं, और चर्च में जाके आप ईसा मसीह को याद कर सकते हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये भाजपा के लोगों को दिक्कत कहाँ से होती है? अच्छा, दूसरी बात आप अभी आप बोल रहे थे कि निमंत्रण इवेंट मैनेजमेंट ये कूदे जो पुलवामा के शहीदों पे जांच भी करा सके हैं, देश के शहीदों शहीद करके वोट मांगने वालों के उनके निमंत्रण पे मेरे का देश के किसी लोग को नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना ही है। अच्छा,
मेरा मानना है जो देश के शहीदों का बलिदान करके सत्ता में जो लोग आते हैं उनको उनके बुलावे पर नहीं जाना चाहिए। और राम की बात करते हैं, ये राम की बात करेंगे जिन राम ने कहा था राम कहां कहूं लग नाम बढ़ाई और राम ने सकाई नाम गुड़ गई। ये राम के महिमा जान सकते हैं जो लोगों के सांसों में बसे हुए हैं और ये इनके उनको लाए हैं, वो राम को लाए हैं, ये उनको लाए यार। मतलब मुझे जैसे इन्होंने जीएसटी का गलत तरीके से लेके देश को डाइवर्ट कर आर्थिक तंगी में धकेल दिया, नोटबंदी को लाके इन्होंने देश को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। जीएसटी अगर आपको इतना बुरा लग रहा है दिल्ली से जीएसटी खत्म करा दीजिए अपने आप, किसने रोका आपको भाई? सर आप इतने वरिष्ठ जर्नलिस्ट है, जीएसटी में खत्म हो सकती है केंद्र सरकार की योजना को? अरे आप ला, अरे भाई ला सकते केंद्र सरकार योजना, आप अपील तो कर सकते हैं भाई, अपील तो कर सकते हैं ना भाई। आपको पता है सर? मुझे सब पता है जी, बोलिए। तो प्लीज थोड़ा सा इसको इस सीरियस इशू को जो सेंटर लागू कर रहा है आईएसजीएसटी जीएसटी उसको कैसे? मैं कह रहा हूँ अगर आपको जीएसटी से आपने यहाँ पर कहा कि जीएसटी यहाँ पर लागू कर दी, परेशान कर दिया, तो अगर आपको लगता है जीएसटी यहाँ पर नुकसानदेह है तो उसके खिलाफ यहाँ जाइए सरकार से बात करिए, केंद्र सरकार से। जी अरे सर बात हमारी सुन कौन रहा है? सुन नहीं रहा। अच्छा हमारे नेता अडानी अम्बानी का प्रश्न उठाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। अच्छा एक रुपए का चंदा का एक रुपए का हिसाब ईडी इनके पकड़ नहीं पाती है। अच्छा संजय सिंह को मैंने उस दिन परसों में संजय जी को राष्ट्रवाद सर्टिफिकेट मिला, मैं देख के मेरे आंख में आंसू आ गए। उस अच्छा। तो ऐसे कैदियों की तरफ घेर के ले गए थे। अच्छा देश बनाना चाहते हैं ये ईडी इनका। तो आपको आपका कहना है बिना सबूत बिना गवाह के यहाँ पर आपके नेताओं को परेशान किया जा रहा है, कहना चाहते हैं? एक रुपए की रिकवरी नहीं कर पाते ईडी और उसको बंदे को बंद कर रखा है। अच्छा और वही राम रहीम इनका पेरोल पर भेज भागा पड़ रहा है, कौन सी दंड की स्थापना कर रहे हैं? जो बलात्कार इनके संत हैं, जो बलात्कारी संत हैं इनके, उनको छोड़ा पड़े हो? जब भी चलिए ठीक है, अपना दर्द जो है डिबेट से निकालने से जाकर सड़क पर निकालेंगे तो शायद यहाँ पर कुछ होगा। चलिए ठीक है, मैं प्रॉपर सनातन महासभा के पास जाऊंगा, मनोज भाई को बताता हूँ। विकास भाई क्या बोले, कोई इवेंट बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि क्या बीजेपी की बकौती है, कोई बोल रहा है अक्षर कलश से यहाँ पर अक्षर बांटे जा रहे हैं हमको नहीं बुलाया गया, कोई यहाँ पर राम भक्तों का लेकर अत्याचार की बात कर रहा है, कोई संघर्ष की बात कर रहा है, वास्तविकता क्या है? और कोई यहाँ पर सुंडकांड कराने जा रहा है और कह रहा है पेट में दर्द क्यों है? दर्द किसी को नहीं है, पर सुंडकांड चुनाव का समय अगर करा रहा है तो उसमें दर्द यहाँ पर बांटो उठती है। विकास मिश्रा जी भैया, पहले तो हम ये बता दें कि भाई राम जी के वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है जी, वो हमें नहीं लगता किसी इवेंट के तरीके से देखना चाहिए। कमेटी ने सबको इनविटेशन दिए हैं जी, वहाँ बुलाया है जिसको बुलावा गया, वो अगर उसकी इच्छा है अभी जाने की अभी जाए, नहीं जाने की इच्छा है बाद में जाए, जब भी मन करे जाए, परंतु ये कह देना कि भाई भाजपा ने दिया या इनका इवेंट है वो गलत होगा जी। सबसे बड़ी बात आप सबको कम से कम यही स्वीकार कर लेना चाहिए था कि एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक विवाद का मुद्दा जो सुलझ गया, एक स्वर्णिम अवसर, एक उल्लास का अवसर है हमारे पास जी। हम एकता के साथ हमारे भाइयों तक ने जो है समर्थन दिया है, हमारे सामरी साहब बैठे हुए हैं, इन सामरी साहब और सभी ने जो है समर्थन दिया, सभी ने कहा कि भाई मुबारकबाद भी दी, हम लोगों को शुभकामनाएं दी, ये अच्छी बात है, एक अच्छी सोच थी, एक अच्छी पहल है कि एक विवाद सुलझ गया और राम जी वहां पर अगर स्थापित होने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर भाई वहां आस्था का विषय, हम जाएंगे जी। जरूरी नहीं है कि हम 22 को ही चले जाएं भाई, हम एक बार वो स्थापित हो जाएं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, फिर हम कभी भी जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं रामलला के जी। परंतु ये इस तरीके का राजनीतिक मुद्दा बनाना नहीं चाहिए। अगर पक्ष विपक्ष दोनों की बात कहूंगा जी, अगर विपक्ष कह रही है कि पक्ष ने ऐसा किया तो विपक्ष भी ये कह के राजनीतिक मुद्दा ही दे रही है जी। यहाँ की राजनीति से मैं देख रहा हूँ कि धर्म तो शायद कभी हटने का नाम ही नहीं ले सकता, हर एक पार्टी किसी ना किसी तरीके से धार्मिक हो जाती है और इसको निश्चित तौर पर इनको धर्म से दूर रहना चाहिए। आपको अगर जनता के मुद्दों के लिए बैठाया गया है, देश के विकास के लिए बैठाया गया, तो आपको देश के विकास के लिए बात करनी चाहिए। रही जो भाजपा के लोगों की बात की जा रही है, तो जहां तक मैं समझता हूं सनातनी लोग हैं, आपकी पार्टी में भी सनातनी लोग हैं, यहां पे भी सनातनी लोग हैं, सनातनियों की आस्था की बात है, राम जी की बात है, लोग वहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चूंकि एक विशेष पद होता है उस पद के नाते उनको बुलावा गया तो वो भी जा रहे हैं, और कांग्रेस के भी तमाम लोगों को जहां तक मुझे जानकारी है उनको भी बुलावा गया है, अखिलेश यादव जी को बुलाया गया है, बड़ी सुंदर बात है, जाना चाहिए, बिल्कुल जाएं और वहां पे दर्शन करें, परंतु राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अभी जैसे आम आदमी पार्टी के लोग जो है अभी पता चला कि कल जो है करवाने जा रहे हैं सुंदरकांड का पाठ, अच्छी बात है, सुंदर बात है,
कम से कम दे रहा है, दुरुस्त है, आप करा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है। हम आपका समर्थन करते हैं इस बात का कि भाई राम जी के लिए अगर कर रहे हैं, हनुमान जी के लिए कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, आस्था का विषय, आपका भी आस्था का विषय है, उसका सम्मान करते हैं। हाँ, राजनीतिकरण ना करने पाए, ना आप करने पाए, ना इस मुद्दे को दूसरा करने पाए, इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री जी सबके हैं, और आपको बता दें हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसलिए पहले सुन लिया करें फिर बोला करें, ना अगर समझ में आए तो पूछ लिया करें। सनातन महासभा से भैया बोल रहे हैं, आम व्यक्ति हैं, आम व्यक्तियों तरीके से बोल रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहे। आपने काम किया उसके लिए हम कह रहे हैं, बड़ी सराहना कर रहे हैं कि आप भाई कर रहे हैं, सुंदरकांड बहुत सुंदर बात है, सभी धर्मों का सम्मान आप करना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल निश्चित तौर पर, जनता सभी के आपके आपकी पूरी जनता आपकी ही होती है। तो मैं समझता हूँ बड़ा सुनने का अवसर है, और कम से कम अगर इस नाते नहीं जा सकते हैं तो इसलिए जरूर जाए, एक मुद्दा समाप्त हुआ, एक खुशी की बात है और एक शांतिपूर्ण वातावरण है, इसी नाते जाए, जाना चाहिए। आमिर भाई, बड़े पत्रकार आमिर भाई, तमाम चीजों को देखा है, इतिहास देखा है, संघर्ष देखा है, व्यवस्थाएं देखी है, न्याय देखा है, शिलान्यास देखा है, और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। नवंबर 19 में बड़ा फैसला, 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा। पर जिस तरह से राजनीति चल रही है, पहले जाएंगे बाद में जाएंगे, इवेंट है, बीजेपी करा रही है, बीजेपी किसी काम के लिए ढोंगी है, जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, और जिस तरह से आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव को लेकर ही बयान दिए, जो राम का नहीं भगवान श्री कृष्ण, क्या हुआ, ये कैसे अभिवंशी है जो अब तक किसी मामले बोल नहीं रहे, जबकि मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह का अदालत में भी चल रहा है, क्या कहेंगे आमिर भाई? धन्यवाद गौरव जी। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने जी बहस रखी है। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर सी है जी, कि जो सेकुलर पार्टियों को, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्षता का चोला पहने हुए हैं, उनको दर्द होना भी चाहिए, उनका दर्द स्वाभाविक है। अच्छा, जायज दर्द है। हाँ, दर्द इसलिए भी जायज है कि भारतीय जनता पार्टी में, हाँ, पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा ऐसे लपका, हाँ, जैसे कि क्रिकेट गेंद लपक लेते हैं। अच्छा, देखिए, जिस तरीके से धर्म को राजनीतिकरण किया गया और राजनीतिकरण के एक विशेष पार्टी की मार्केटिंग की जा रही है गौरव जी, ये गलत है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की जहाँ तक बात है, श्री राम जी की, पुरुषोत्तम राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जी, तो देखिए, हमारे यहाँ भी हमारे बड़े लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जी राम को हिंद का इमाम कहा है। क्या बात, इमामुल हिंद कहा है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपनी कई नज्मों में भी, उन्हें पूरी नज्म है बाकायदा इमामुल हिंद पर जी। तो गौरव जी, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का कोई, मेरे ख्याल से मैं मुसलमान भी कोई विरोध नहीं कर रहा, हिंदुओं को तो छोड़ दिए, लेकिन विरोध इस बात का हो रहा है गौरव जी, जो एक विशेष राज पार्टी के लिए मार्केटिंग की जा रही है, विरोध इस बात का है, ना कि प्राण प्रतिष्ठा का विरोध है। देखिए, आप जो आपके धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, मंडले महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है, आखिर क्यों किया है, कुछ तो कारण होगा। भाई ठीक है, हम बहुत ज़्यादा हिंदुत्व के मामले में नहीं जानते, लेकिन ये तो बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है, मुखालफत की है, जो नहीं जाना चाह रहे हैं, आखिर क्यों, सवाल इस बात का पैदा होता है गौरव जी। बाकी सवाल इस बात का नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। भाई जाहिर सी बात है, जब मंदिर बन रहा है तो प्राण प्रतिष्ठा अगर राम की नहीं होगी तो किसकी होगी। और जहां तक अखिलेश जी के दर्द की बार बार बात आ रही है गौरव जी, तो आपको याद होगा 2016 में जी श्री राम मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए बाकायदे शासनादेश अखिलेश सरकार में आया था। अच्छा, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो जाहिर सी बात है, उनका भी दर्द है, कांग्रेस का अपना दर्द है, कि कांग्रेस ने, विवाद था राम चबूतरे का, उसको बाकायदे मस्जिद का विवाद मंदिर में तब्दील करके कांग्रेस ने बनाया 49 में। अच्छा, उसके बाद मूर्तियां रखवाई रातों रात, उसके बाद ताला लगवा दिया, फिर ताला 86 में खुलवा दिया, फिर शिलान्यास करा दिया। राजीव गांधी नहीं गए थे, राजीव गांधी ने मार्केटिंग नहीं करी थी राम के नाम पर। अच्छा, राम के नाम पर धर्म का चोला नहीं ओढ़ा था। अच्छा, इन्होंने क्या करा है, धर्म की राजनीतिकरण करके धर्म की चादर ओढ़ के सारे अपने गुना चादर में छुपा लिए धर्म के नाम पर। अच्छा, इन्होंने 10 साल हो गए माननीय मोदी जी को हमारे प्रधानमंत्री बने हुए, चंद महीनों बाद, अकबर के 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है गौरव जी। अगर ये राजनीतिक स्टंट आम आदमी पार्टी का है, सुंदरकांड पाठ कराना, एंड टाइम चुनाव गए, तो गौरव जी ये भी मान लीजिए कि जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा का जो खेल चल रहा है, ये भी जल्दबाजी में चुनावी राजनीतिकरण किया जा रहा है। बहुत स्पष्ट बात है गौरव जी, इन लोगों को ना तो उनको धर्म से कोई मतलब है, बाकी धर्म का जितने भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, ये इनको, इनका दुख अपनी जगह बिल्कुल जायज है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबने, देखिए गौरव जी बहुत साफ सी बात है, किसी भी पुल ब्रिज बन रहा हो, कोई शिलान्यास भी होता है उसका, नारियल फोड़ के होता है, जब उद्घाटन होता है नारियल फोड़ के किया जाता है, कौन सा ऐसा धार्मिक कार्यक्रम है जो नहीं होता गौरव जी, आप बताइए। अच्छा, लेकिन मार्केटिंग कोई नहीं करता है। अच्छा, मार्केटिंग जितनी खूबसूरती से और जितना सनातन को और जितना हिंदुत्व को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक इस्तेमाल किया और पलीता लगाया है,
देश की किसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो या कोई संप्रदाय, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात बीच में निकल के आई थी प्रवीण तोगड़िया की, क्या आप फायर ब्रांड नेता होते थे हिंदुत्व, आप बताइए कहाँ है आज की तारीख में। मुरली मनोहर जोशी फायर ब्रांड नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, लाल किशन वानी रथ लेकर चले थे, कहाँ है आज की तारीख में। आज की तारीख में हिंदुत्व का मतलब, सनातन का मतलब, भाजपा का मतलब, संघ का मतलब टोटल और टोटल माननीय मोदी जी रह गए, बाकी कोई नहीं है। गौरव जी सबको खत्म कर दिया मोदी जी ने। आज मोहन भागवत भले बयान देने के बाद चर्चा में बने रहते हो एक अलग बात है, लेकिन मोहन भागवत की क्या हैसियत है आप बताइए हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ मोदी जी। जवाब देता हूँ ठीक है, सबने बात कही, अब यहाँ पर सबका जवाब मनोज उपाध्याय जी को देना है। मनोज भाई यहाँ पर शुरुआत कर दीजिए अनिल शर्मा से, क्यों अनिल शर्मा यहाँ बोल रहे थे कि अक्षर कलश की बात कर रहे थे, जबकि स्वयं इन्होंने इस बात को उठाया था कि अक्षर कलश को हमको भी दे देते। और यहाँ पर मनोज उपाध्याय ने आपको खुली चुनौती दी थी अनिल शर्मा जी कि यहाँ पर आप भी ले लीजिए, किसी गांव में जाके बांटिए, क्या बुराई है। अब यहाँ पर मनोज भाई जवाब लेते हैं, आप यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। मनोज भाई सबका जवाब आप ही को देना है। जी मनोज उपाध्याय थोड़ा समय दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, समय है आपके पास। जी क्योंकि काफी लोगों का, सबसे पहले तो हमारे माननीय जो पत्रकार जी बता रहे थे आमिर साबरी जी, पहले इन्हीं से हम शुरू करते हैं। मार्केटिंग इसको नहीं करते हैं, तब मार्केटिंग कहाँ थे जब कारसेवकों पे गोलियां चली। क्या बात है, अब उस मार्केटिंग को लेकर उपाध्याय जी कारसेवकों पे जिन्होंने गोलियां चलाई थी उनको आपने पद्म भूषण देकर सम्मानित कर चुके हैं, आप बार बार क्यों दोहराते हैं उस बात को। ऐसे नहीं गौरव जी, आपको बोले मनोज भाई अपनी बात पूरी करिए, बोलता नहीं किसी की बात सुनने के लिए। नहीं आप बोलिए, आप बहुत लंबे समय से बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए। दूसरी चीज बताओ, मार्केटिंग की बात करते हैं जी, ये पत्रकार के वजह से, मैं नहीं कहूंगा और कि आप पत्रकार नहीं है, आप पार्टी की हम वो है कुछ नहीं। आपने कहा कार्यकर्ताओं को जब गोलियां लगी थी तब मार्केटिंग ना होके, फिर देखिए इस समय वो मार्केटिंग चल जी, तब इन्होंने नहीं अपना राय दिया जब रामचरितमानस के पन्ने को जलाया जा रहा था और अखिलेश यादव प्रमोशन करते थे और जो प्रवक्ता रोली तिवारी ऋचा सिंह जैसे लोग उसपे बोलते थे तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता था, स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाया जाता है, ये तब इनको याद नहीं आई। पहली चीज मार्केटिंग इसको कर, हमने जब किया था तो किया था, आज भी है, हम उसके साथ खड़े हैं, डंके की चोट पे खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, जिसको जो करना हो करेगा, क्योंकि हमारा ये अपना व्यक्तिगत निजी है। हमने शुरू से ही भगवान राम को जब तंबू में थे तब भी हम पूजा करते थे, आज भी हम पूजा करते जाते हैं और आगे भी जाते रहेंगे। दूसरी चीज मैं बता दूं, हमारे सपा के मित्र ने कहा आज ये यजमान इनको मालूम नहीं है, यजमान कई होते हैं, जब भागवत कथा होती है ना तो अलग अलग दिन अलग अलग यजमान आते हैं, अगर जो अगर सामूहिक रूप से किया जाता है कोई चीज मंदिरों पर तो अलग अलग यजमान आठों दिन लगातार चलते हैं। तो अगर आप देखिए कल से जो शुरू हो रहा है जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, तो अलग अलग यजमान आ रहे हैं वहाँ, कोई जरूरी नहीं कि मोदी जी एक ही दिन बैठे, मोदी जी अंतिम पे जाके दर्शन करते हैं और उसके रूम में अगर कमेटी हुआ वहाँ के जो महंत हमारे हैं सत्येंद्र दास जी, उन्होंने अगर उनको यजमान बनाया तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है। इसको अगर इनको लग रहा हो तो ऐसा कर्म करना चाहिए कि लोग आपको वहाँ यजमान, क्या बात है, कर्म करना चाहिए लोग आपको, कर्म ना नहीं है जब, तो उसके माथा पटकने से खून निकलेगा कुछ होगा नहीं। दूसरी चीज बता दूं, अभी हमारे सभा के मित्र का एक कंफ्यूज है अखिलेश यादव, पूरी तरह से कंफ्यूज है। अच्छा? क्योंकि देखिए हमारे वहाँ एक कहावत बहुत पुराना है, जब एक मृतक आश्रित का जब नौकरी पाता है ना लड़का, तो वो काम नहीं करता, उसकी वैल्यू नहीं समझता है। तो इसी तरह से राजनीति में जब विरासत की नौकरी मिल जाती है, विरासत की नौकरी बता रहे हैं, ये कंफ्यूज को तो आपको पता नहीं है क्या बोल रहे हो आप, कुछ कंफ्यूज हो, आपको जानकारी नहीं क्या बोल रहे हो। सुन लीजिए, अरे आवाज धीरे धीरे धीरे, आवाज धीरे, अभी तक बहुत यथार्थ सुन रहा था। अरे आवाज धीरे क्या, आवाज आपकी तेज, आवाज धीमे कर पाओ क्या। अरे ठीक है, इसीलिए जनता तार्किक बात करिए, जवाब दीजिए, जो मौका दूंगा जवाब दीजिए। एक भी काम तो कर नहीं पाया अयोध्या में, हम लोगों ने राम कथा संग्रहालय बनाया, भजन संस्था बनाई वहाँ पे, भजन संध्या स्थल बनाया, प्लीज झांसे बाजी जुमले बाजी। अरे सुन लीजिए अब देखिए अपमान की बात हो गई, शंकराचार्य जी की आज बड़ी चिंता हो गई, जिन शंकराचार्य के ऊपर लाठियां चलती थी और शंकराचार्य जी तब भी आशीर्वाद दिया था, इनकी आवाज बढ़ाई जाए, प्रवक्ता पंच पाटिल के हिसाब से शराब था, मेरे हिसाब से आशीर्वाद है, ये लोग आशीर्वाद समझे अपना। लेकिन दो शंकराचार्य इसके पक्ष में है और दो शंकराचार्य ने इसको गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा किसी कारण वसू नहीं आ रहे, तो उनका वो तो उनसे पूछना पड़ेगा क्या रीजन है, बट हमारे हिसाब से अगर कहीं गलत हो रहा है तो शंकराचार्य जी इसको व्यक्त करेंगे कि भाई कहाँ गलत है वो बताया जाए। अभी देखिए परसों की बात है, परसों नरसों में हिंदू वहां की कमेटी के लोग वहां फिर गए थे, उन्होंने कहा जहाँ गलत हो रहा चल कि आप हमको बताइए, तो शंकराचार्य जी वहां कमेटी के लोग अपने हिसाब से वहां मैनेजमेंट कर रहे, भारतीय जनता पार्टी। दूसरी चीज बता दू, हाँ अभी हमारे आम आदमी पार्टी के बोल रहे थे, एक
भ्रष्टाचार को लेकर आने वाली पार्टी अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार को लेकर आने वाली पार्टी क्या बात, और आने के बाद शराब में घोटाला, उसके बाद कर हम तो बहुत ईमानदार हो गए, शराब में घोटाला, शिक्षा में घोटाला, संपत्ति नहीं लेंगे, सुन लीजिए पांच सेकंड बस, उसके बाद अपने घर को 8-8 लाख का पर्दा, किसी की नहीं है, यहाँ तक कि अखिलेश यादव की मैंने जो अपने आप को राजा मानते हैं, और उनकी डिप्टी सीएम हमारे जो विजय पाठक जी हैं, इनको तो उन्होंने नौकर कह दिया, उनके वहाँ भी इतना महंगा टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, जितना अरविंद केजरीवाल का है, पैसा जी भी बोले तो हम तो बड़े ईमानदार हैं, चले ठीक है, आवाज बढ़ाइए जरा भाई इनकी, सुनने के लिए जनता जानती है, ठीक है, जनता तो हजार देख लिया, लास्ट में कह के बंद कर रहा हूं, ठीक है हो गया, भारतीय जनता पार्टी के ट्रबल इंजन की सरकार, ठीक है हो गया, मनोज भाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इन लोगों को जो राम के विरोधी, अरे ये लोग आपकी आप भाई कार्यक्रम को ये लोग इवेंट क्यों बता रहे हैं भाई, मनोज भाई राम राम कहने के लिए मजबूर कर दिया, मनोज भाई ये लोग सब इवेंट क्यों बता रहे हैं, क्या बीजेपी का इवेंट है, बार बार जाना भी है, इवेंट भी बोल रहे हैं, अरे भाई फिर वही मैंने अभी आपसे क्या कहा, इनको दर्द इसी नाते हो रहा है कि अच्छा, इनका जो तुष्टिकरण की राजनीति वो अच्छा, तुष्टिकरण की राजनीति पहली चीज है, और ऊपर से इनके साथ समस्या ये हो गया कि अभी नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी इन दोनों सारे इंडी गठबंधन वालों को अच्छा, जो राम के विरोधी थे, जो राम जो अस्तित्व को नकारते थे, जो राम के गोलियां चलवाते थे, सर्टिफिकेट बांटने लग गए, जो राम के पंच, चले चले ठीक है, अब मैं जवाब लेता हूँ, जवाब लेता हूँ, अनिल शर्मा बोलेंगे, मनोज उपाध्याय अनिल शर्मा बोलेंगे, हो गया हो गया हो गया, मनोज भाई हो गया, मनोज उपाध्याय हो गया, अनिल शर्मा बोले क्या बोला, बीजेपी प्रवक्ता ठेकेदार बनने का काम ना कर, जनता नकारने के लिए तैयार बैठी है, अच्छा नकारने तैयार बैठी है, देख रहे हैं जो ड्रामा और फोटो जैसा आपका चल रहा है, अब ओपन हो जाए डिबेट भाई, जवाब दे सकते, मनोज भाई जवाब दे दीजिए, अब जनता नकारने बैठी है आपको भाई, जनता नकार तो रही है 2014 एक लैंडिंग वाला हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो रहा है, चुनाव से पहले, चुनाव से पहले इवेंट कराने के बजाय चुनाव के बाद कराते हैं, इसके पालन पर जाती है, पार्टी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, चुनाव से पहले ही सवा काम कराने का विवाद आज भी दिन करा रहे हैं, कौन सा तरीका है, कौन सा शास्त्र के अनुसार है, जो है भगवान राम को ढोगी पर बोलिए भाई, मर्यादा रखिए, ये ढोगी पर बोलिए भाई, मनोज उपाध्याय प्लीज, अनिल शर्मा जी ढोगी पर बोलिए भाई, ढोगी सब मत बोलिए, ढोगी क्या होता है, कितना बड़ा धर्मात्मा हो यार, लीजिए कितने में धर्मात्मा पूछ लिया आपसे, मनोज उपाध्याय कितने में धर्मात्मा बीजेपी वाले भाई, जवाब दे दीजिए, मुझे शर्म लगने लगी भाई, बोला कितने में धर्मात्मा है आप लोग, ढोंगी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, अनिल शर्मा बोल रहे हैं जी, अरे भाई ढोंगी है माने चाहे जो माने, जनता हम जान है ना हम क्या, चलिए जनता के साथ है, आप ढोंगी माने कुछ ही माने, सुनिए गौरव जी बोलिए, ढोंगी वो होता है जो कपड़े के ऊपर जनेऊ पहन लेता है, लीजिए कपड़े को जनेऊ पहन लेता, लीजिए ये वही आपको राहुल गांधी की याद दिला दी उन्होंने, मंदिर में लड़के जाते हैं लड़कियां छेड़ने, इनको सर नहीं ये तो पता नहीं क्या क्या याद दिलाएंगे, इनको तो ये नहीं पता, चलिए ठीक है, चलिए ठीक, चुनौती स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, अनिल शर्मा जी इनकी चुनौती स्वीकार करेंगे, गांव में जाएंगे किसी अच्छे कलश को लेकर, पूर्वजों का जीवन चला गया, गांधी को हत्या करने पल पल पे गांधी की हत्या करने वाले, अच्छा दूसरे को पूछने वाले, ये क्या जाने के देश धर्म क्या हो गया है, चलिए बाबर के मकबरे पे जाके जो सिर नवाते हैं, अरे बाबर के मकबरे पे आपके लोग जाते हैं, बिरयानी खाने आपके लोग चले जाते हैं पाकिस्तान, लीजिए चलिए चलिए हो गया, घमासान हो गया, चलिए ठीक है, हो गया मर्यादा में रहिए, संधि यात्रा, अरे अनिल शर्मा यहाँ पर सुनिए सुनिए, हो गया आपने बात आ गई, अनिल शर्मा जी यहाँ पर मनोज उपाध्याय बोले हैं कि अक्षर कलश लेके किसी गांव में जाएंगे, चुनौती दे रहे हैं आपको, जाएंगे क्या, अरे क्या चुनौती देंगे, चुनौती देने लायक हो तो ना, अच्छा मनोज उपाध्याय नहीं जा सकते क्या, अक्षत कलश एक बात बता दीजिए गौरव जी, ये कौन होते हैं हमको कि हम अक्षत कलश लेकर कहीं जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, लीजिए कहीं नहीं जा सकते, बोले कभी नहीं जा सकते, राम की पूजा करने का ही अधिकार देंगे, ये कौन होते हैं, इनकी हैसियत क्या है, चलिए ठीक है अब मैं यहाँ पर चले, हो गया चंचल यादव कुछ बोले, चंचल यादव यहाँ पर मनोज उपाध्याय ने बोला है कि अखिलेश यादव को लेकर क्या जवाब देंगे भैया, राम सबको लाने वाले, ये राम बनाने वाले, बोले विरासत मिली है, जो कहते हैं विरासत की नौकरी मिली है, मेरी बात सुन लीजिए, एक भी बात का जवाब ही दे नहीं पाए, अच्छा मैंने पूछा था, मेरा सवाल सवाल किया आखिर जल्दी क्या थी, अच्छा हम कह रहे हैं कि अभी बहुत हमारे कई सारे शंकराचार्य ने सुझाव दिया कि रामनवमी के दिन जो है, मनोज भाई बोल दीजिए, लेकिन आपने उसे जल्दी क्या थी, दूसरी सवाल में वहां अयोध्या के अंदर विकास करने का काम, अच्छा समाजवादी सरकार ने भी सावरी साहब ने बहुत अच्छी बात की, आपको याद होगा राम कथा संग्रहालय
और मैं आपको बता दूं, और भजन संध्या स्थल जो भी आज की वीडियो देखिए, ये आप देख लीजिए, ये जो आप प्रोग्राम करा रहे हो आज, ये समाजवादियों की देन है। अच्छा, एक भी ईंटा नहीं जोड़ पा रहे हो, खाली झांसेबाजी जुमलेबाजी करते हो। चलिए, और काम कुछ करना नहीं है, काम कर गिनाते हो आप। मुझे बताओ ना, मैं कह रहा हूँ कि आज अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानती भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है। अच्छा। आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। अच्छा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। तो ये लोग केवल बांटो और राजनीति पर काम करते हैं। मेरा सवाल कई सारा था, जो आपकी मोदी सबकी गारंटी थी ना मोदी जी की, वो गारंटी का क्या हुआ। अरे तो मैं वही क्यों नहीं, गारंटी का मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताओ उस गारंटी के बारे में बताओ ना। अरे दो करोड़ रोजगार की बात हुई थी, रोजगार पे आ गया, का क्या हुआ, मुद्दे पे आइए ना, 100 दिन के अंदर क्या हुआ, मुद्दा तो गंगा सफाई की बात हुई और 22 तक मुद्दा हुआ, खा गए सब, बेच खाए। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोग जो है केवल झूठ बोलने, गुमराह करने अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बताए ना अखिलेश यादव काम कर रहा है, प्रोग्राम चला, मैंने दिखाया आपको भी, बोलिए बोलिए, बताओ ना भजन संध्या स्थल किसने बनाया है, राम का संग्रहालय किसने बनाया है, आपकी कैबिनेट जवाब दीजिए, राम का संग्रहालय, अखिलेश यादव जवाब दीजिए, बताओ ना क्या काम किया आपने, जुमलेबाजी हासेबाजी केवल, बता रहा हूँ सुन लीजिए, जब प्राण प्रतिष्ठा के भगवान को रहने की जगह जहाँ आप बनाए हो, आप बनाए हो उसको, झूठ बोल दो चैनल में बैठ करके, झूठ बोलने का काम करते हो आप बनाए हो, और आपके औकात राम को लाने की, केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी वाली बात करते हो आप। आपको शर्म आती है कि नहीं आती, प्रधानमंत्री जी का फोटो, रामचंद्र जी का फोटो छोटा आता है, प्रभु रामचंद्र जी की पिक जो है छोटी लगाते हो, शर्म आती नहीं आती इस बात को लेकर के, प्रभु रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप बताओ, प्रभु रामचंद्र जी की उंगली पकड़ करके मोदी जी को चलना चाहिए, उल्टा पकड़ के चल रहे हैं वो, आप तो आदरणीय प्रधानमंत्री को चारों जवाब इनकी आवाज बढ़ाई जाए, शिक्षा लेनी चाहिए उन महिलाओं से। आए दिन घटना हो रही है, अभी कन्नौज की घटना है, एक लड़की के साथ जो है एक दमंग टीचर ने सुसाइड कर लिया, लड़की ने, शर्म आती कि नहीं आती है, आज महिला अपराध उत्तर प्रदेश नंबर वन है कि नहीं है, आप जो भाजपा चलिए जैसा कि अभी हमने देखा और हर डिबेट में देखते हैं जी, कोई भी मुद्दा हो उसको एक राजनीतिक करण दे करके राजनीतिक लोग लड़ने लगते हैं, वही हो रहा है। जहाँ भी कई बार हमने बात अभी सुनी कि राजनीति हो रही, राजनीति हो रही है, उसका मार्केटिंग हो रही है, सब कुछ कहा गया जी। मैं कुछ बातें पूछना चाहूंगा बड़ी शालीनता से, मेरी बात खत्म होने के बाद जो भी जवाब देना चाहे दे दे। अगर राजनीति की बात की जाए तो क्या जिस समय कारसेवकों को जेल में डाला गया राजनीति नहीं थी, क्या गोलियां चली राजनीति नहीं थी, कौन सी सरकारें थी लीजिए, जिस समय राम के अस्तित्व सवाल खड़े किए गए क्या राजनीति नहीं थी, क्या लगातार चिल्ला के ये पूछा गया मंदिर वही बनाएंगे डेट नहीं बताएंगे तो राजनीति नहीं थी लीजिए, आज दर्द किस बात से है लीजिए, आपको अगर एक सेकंड सर, मैंने कहा पहले बात खत्म, आपकी सारी बातें सुनी है मैंने, आप मेरी बात सुन लें फिर आपके प्रेम से बात सुनूंगा, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन एक मुद्दा जो कि आप बार बार कह रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, हर्षोल्लास का विषय था, एक विवाद समाप्त हुआ था, इस नाते ही कम से कम आप लोग खुशी मना लेते है ना, अगर आपको कहीं से निमंत्रण मिला नहीं जाना था 22 को, बाद में जाना था, कहने की क्या आवश्यकता थी, राजनीतिकरण नहीं है क्या, ये कहना ये राजनीतिकरण नहीं है, तो कौन कह रहा है कि राजनीतिकरण आप नहीं कर रहे, सुनिए हमेशा राजनीतिकरण आए धर्म में, हमें सब पता है, किस तरीके से फंडिंग व्यवस्था द्वारा आपकी महासभा चलती मुझे, यही सच्चाई है, आपको बता दें इस फंडिंग की बात जो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, बता दें हम लोग स्वयं से ही कार्य करते हैं, कभी भी मैंने किसी भी चंचल यादव महासभा के लिए डोनेशन किस फंडिंग से चल रही है, तो पहले उस बात को सुनिए, आपने आरोप लगाया पहले मेरा जवाब,
आपने कहा सनातन महा किस फंड से चल रही है आप जानते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या सपा सरकार से, क्या चंचल यादव जी से, क्या किसी भी व्यक्ति से हमने कोई डोनेशन लिया, उसका प्रूफ है आपके पास? मैं बताऊँ, सुनिए तो, मैं चार बार सरकार आपसे रही है। अरे सुनिए ना, सुन लीजिए ना, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने सवाल किया कार से को गोली, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराना था। अच्छा, श्रद्धेय नेता जी ने उसका बखूबी पालन किया। दूसरी बात क्या, सवाल किया कि कौन लोग की बात करते हैं आप, ये सवाल बीजेपी से पूछिए। बीजेपी का एक मंत्री वो क्या कहता है, खीर खाने से पैदा हुए थे, उसके बारे में आपत्ति टिप्पणी करता है, उसके बारे में बोलने की मत है बीजेपी से, बीजेपी का लेकिन आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए। बार बार बोलिए, सांसद मौर्य जी का भी कुछ स्टेटमेंट आया है, उसका भी कैबिनेट मंत्री कौन है, आपका कैबिनेट मंत्री कौन है? बार बार बोलिए, हाँ सुनिए, अभी आपने कहा ना, सबसे पहले प्रश्न आपने पूछा कि आपने क्या कैबिनेट मंत्री हो, तो मैं बता दूं, जितने भी राजनीतिक दल बैठे हैं सब हमारे ही हैं, क्योंकि हम ही चुनके पहुंचाते हैं वहाँ पे, तो हमारे तो कोई भी सरकार का मंत्री हो, कोई भी सरकार का मुख्यमंत्री हो, सब मेरे होते हैं। परंतु अगर सनातन धर्म पे कोई भी आक्षेप लगाता है तो मुझे खुशी होगी कि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। आप बोलिए कि सरकार बर्खास्त करे संजय निषाद जी को, निश्चित तौर पे बोलिए बर्खास्त करे, आज नहीं आप बोलिए ना, नहीं बोल पाएंगे, आपने मेरे बोलने पर नहीं किया, जब आप लोगों ने नहीं किया तो किसी और पे क्या कह रहे हैं? कितने स्टेटमेंट आए उस पर भी हमने कहा आप कार्रवाई कर दी, बोलिए ना, बोलते बोलते बोलिए बर्खास्त करें, धन्यवाद। और यहाँ पर समय पूरा हो चुका है, सबने अपनी अपनी बात रखी, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर एक कार्यक्रम को इवेंट भी कहा गया, यहाँ पर एक महासभा के फंडिंग को लेकर भी बात की गई, और यहाँ पर यह भी कहा गया कौन किसका है। अब कौन किसका है जनता भी जानती है, यहाँ पर जनता स्नान भी जानती है, और यहाँ पर जनता दर्शन भी जानती है। जनता को पता है कि सुंदरकांड कब हो रहा है, और जनता यहाँ पर यह भी सोच रही है कि यहाँ पर आने वाले समय में चीजें क्या घटित होने वाली हैं। 24 चुनाव सामने हैं, उस तरह के तमाम बयानबाजी पर चर्चा होती रहेगी, पर यहाँ पर बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है, वो कार्यक्रम भगवान श्री राम का है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का है। कम से कम भगवान को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, शताब्दी पुराने मामले को यहाँ पटाक्षेप के बाद एक प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश राममय है, उस राममय व्यवस्थाओं में अपने आप को सहेजिए, उस कार्यक्रम को यहाँ सुचारू रूप से मनाने के लिए यहाँ पर आनंदित हुई है, आनंद लीजिए, व्यवस्था देखिए। राजनीति है तो राजनीति चलती रहेगी, रोटी कपड़ा और मकान को छोड़कर यहाँ पर राजनीति केवल धर्म पर हो रही है, शायद चुनाव भी यहाँ पर उसी व्यवस्था पर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लोग सुंदरकांड भी कराएंगे, आयोजन भी कराएंगे, पर अपने नेताओं को नहीं रोकेंगे जो सनातन विरोधी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बातों से ही बयान आने हैं, बयान से चर्चा होनी है, और चर्चा से राजनीति होनी है, राजनीति से ही वोट मिलना है, क्योंकि जनता का आधार इन लोगों को राजनीति केवल धार्मिक नजर आती है। ये जनता है, ये जनता तो सब जानती है कि कौन क्या कह रहा है, कौन वास्तविक भक्ति में चूर्ण है, कौन वास्तविक भक्त है, और कौन वास्तव में धर्म को लेकर जागरूक है, ये जनता को सब पता है। आने वाले समय यहाँ पर प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद चुनावी बिगुल भी बजेगा, पर फैसला जनता का होगा, वो जनता जो जनार्दन है, और शायद जनता का फैसला सर्वोपरि भी होता है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।